द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चंद्रबाबू नायडू की डील नरेंद्र मोदी से बिगड़ गई है। मीडिया में जो बड़ी खबर चल रही है वो हैरान कर देने वाली है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी ऐसी शर्तें मोदी जी के सामने रख दी कि उसके बाद भाजपाइयों के पसीने छूट गए। और चंद्रबाबू नायडू ने यह भी संकेत दे दिया है कि वो अब एनडीए के पार्टनर तो रहेंगे, लेकिन इस हिसाब से रहेंगे कि जब चाहे इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं। खबर वैसी ही है, चौंकाने वाली है। और आनन फानन में जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक बीजेपी ने बुलाई है। अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, बीएल संतोष भी हैं, बड़े बड़े भाजपाई नेता पहुंचे हुए हैं। दरअसल एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन की मुलाकात के बाद नायडू के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पार्टनर नहीं रहेंगे, वो बाहर से समर्थन देंगे कि ये हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आप सरकार चलाइए, लेकिन मेरी मर्जी होगी तो हम सरकार आपकी गिरा भी सकते हैं। और यह रिपोर्ट इसलिए बहुत बड़ी है कि सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, उन्होंने कुछ और भी शर्तें रख दी। एनडीए के पार्टनर बने रहने के लिए भी शर्तें रखी, वो शर्त नहीं मानेंगे, बाहर से समर्थन देंगे। इसके अलावा मंत्रालय को लेकर, कैबिनेट में प्रोफाइल को लेकर जो चंद्रबाबू नायडू ने नई शर्तें रखी हैं, उसके बाद तो समझिए कि बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। हम एक एक कर तमाम शर्तों को आपके सामने रखते हैं। जरा देखिए, ये सबसे पहले खबर क्या है न्यूज 18 बिहार की, कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से देगी समर्थन। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का भी पद मांगा, एनडीए का संयोजक पद भी मांगा। ये यही तीन बिंदु जो सबसे अहम कड़ी है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यही समझिए कि बाहर से समर्थन देने का मतलब क्या होता है। यहां कहा गया है कि टीडीपी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। इस रिपोर्ट के मायने हैं कि अगर हम एनडीए को समर्थन दे रहे हैं तो सिर्फ सरकार को बचाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए, ना कि हम सरकार के साथ मजबूती से करें, हम मोल भाव करेंगे। यानी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की एकदम से तस्वीर साफ हो गई है। वो अपने आंध्र प्रदेश को तो संभालेंगे ही संभालेंगे, लेकिन इधर दिल्ली में मोल भाव करेंगे, नरेंद्र मोदी को अपनी शर्तों पर झुकाए रखेंगे। यह 5 साल नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही कठिन गुजरने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों का आंकड़ा कमजोर पड़ता गया है, अब इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। चंद्रबाबू नायडू की यह शर्त बीजेपी कैसे माने, उन्हें तो भरोसा चाहिए, गारंटी चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ रहेंगे। वो बस चले तो नरेंद्र मोदी लिखित में करार करवा लें, वो एकदम स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र लिखवा लें कि हम चंद्रबाबू नायडू को तभी अपने साथ रखना चाहते हैं जब वो कसम खा लें कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन टीडीपी ने अब अपनी नई चाल चल दी है, इसके मुताबिक अब सीधे सीधे एनडीए को समर्थन देने का जो तरीका है वो एक्सटर्नल हो गया है। अब अंदरूनी सपोर्ट, एकदम हिस्सेदार बन के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें जो अगली कड़ी है कि टीडीपी ने स्पीकर का पद मांगा है, ओम बिरला का क्या होगा? ओम बिरला वैसे भी अपने कार्यकाल में स्पीकर पद पर रहते हुए कई ऐसे काम किए जिसे विपक्ष ने अनैतिक बताया, और अब टीडीपी ने वही पद की मांग कर दी है। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह मानेंगे? क्या वो स्पीकर के पद पर राजी हो जाएंगे? चलिए ले जाइए आप, स्पीकर तो हमेशा सरकार अपने ही पार्टी की, खास करके अगर बीजेपी को बहुमत नहीं है फिर भी इतनी सारी सीटें हैं, अपने एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी चाहेगी, नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि वो सीट कम से कम स्पीकर पद वाला वो बीजेपी के पास ही रहे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के कैंडिडेट को अगर स्पीकर बनाया जाता है तो क्या बीजेपी के लिए काम करना आसान रहेगा? क्या स्पीकर का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ भी हो सकता है? क्या कई मायने में स्पीकर की भूमिका पार्लियामेंट में बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाती? वो बीजेपी की नहीं सुनेंगे, अपनी चलाएंगे, तब क्या होगा? इस बात की चिंता उन्हें खाई जा रही है। अब जो इससे भी खतरनाक बात यह है कि एनडीए के कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, कन्वेनर बनना चाहते हैं
चंद्रबाबू नायडू कि जो एनडीए है उसका संयोजक हमें बनाइए, आपसे संभव नहीं है कि आप सबको जोड़ कर रख पाएंगे। एनडीए के तमाम घटक दल उन्हें छोड़ते चले गए थे। वाजपेयी जी ने बहुतों को जोड़ा, लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का समय आते आते सब खत्म हो गया। अब स्थिति यह है कि यहाँ पर संयोजक का पद भी चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब वो संयोजक बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ एमके स्टालिन से बातचीत के बाद उनका झुकाव भी इंडिया गठबंधन की तरफ थोड़ा बढ़ा है, इस वजह से उन्होंने एनडीए को बाहर से समर्थन देने का वादा कर दिया, तो मुश्किलें तो बढ़ गई ना। तब तो बीजेपी परेशान है, बीजेपी फिर से बैठक बुलाई है कि हल क्या निकाले, कैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बांधे रखें, क्या करना होगा। बिहार में मेरे एक राजनीतिक पत्रकार से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बिहार में स्थिति यह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार के 12 के 12 विधायक को भाजपा अपने पाले में करने की कोशिश करे और नीतीश कुमार को फिर से उनके हाल पर छोड़ने की कोशिश करे। कुछ भी हो सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, क्योंकि बीजेपी इस फिराक में हमेशा रही है कि जोड़ तोड़ के गणित के जरिए कहां से अपना फायदा वो करा ले। तो बिहार की स्थिति पर बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो मुश्किल खड़ी हुई है, टीडीपी ने जो मुश्किलें बीजेपी की बढ़ाई है, जो डील बिगड़ी है, अब यहां से पूरा खेल नए सिरे से शुरू हो गया है। कहा जा गया है कि अगर स्पीकर का पद हमें आप नहीं दोगे तो कम से कम 5 मंत्रालय चाहिए, 16 सांसद हैं, हर एक 3 सांसद पर एक मंत्रालय चाहिए। इस फॉर्मूले ने भी बीजेपी के होश उड़ाए। जिस तरीके से उन्होंने भी वित्त जैसे विभाग मांगे हैं, नीतीश कुमार ने भी वित्त विभाग मांगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वित्त विभाग इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ईडी डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट करती है। इन नेताओं पर किसी पर स्किल डेवलपमेंट घोटाले का आरोप लगा दिया गया, तो नीतीश कुमार के कई करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड खूब पड़ी थी। अब ऐसे में इन सब को केस खत्म करवाने का भी एक दबाव है। अगर वित्त मंत्रालय गठबंधन के किसी सहयोगी के पास जाता है तो इसका फायदा यह होगा कि ये लोग अपने हिसाब से केस को मैनेज कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है, ये कोई पुख्ता नहीं। लेकिन यह आरोप लगता है कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग बीते 5 सालों में 10 सालों में देखने को मिला, उसके बाद अब उसी ईडी के जरिए जो इनके गठबंधन के पार्टनर हैं, जो दबाव की सियासत झेलते रहे, अब उस दबाव से मुक्त होकर उस केस को, उस फाइल को बंद कराने की कोशिश में जुटेंगे। और इस बार नरेंद्र मोदी पर दबाव रहेगा, वो अपने मन से अगर कोई कदम चलना भी चाहे तो पहले गठबंधन के सहयोगी हरी झंडी नहीं देंगे, तब तक वो वंदे भारत को भी हरी झंडी नहीं दिखा सकते हैं। ये स्थिति में आकर इस वक्त नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ने जो अपनी डील खराब की है और नई शर्तें रखी हैं, अब देखना यह होगा कि बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद क्या चंद्रबाबू नायडू की तमाम शर्तें स्वीकार कर ली जाती हैं, क्योंकि इनके बिना इस वक्त नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर टिके नहीं रह सकते हैं, यह भी तय हो चला है। बिहार हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, ये एनडीए के सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए, तमाम ऐसी शर्तें हैं। अब जब मांगों का दौर शुरू होगा, मंत्रालयों को एकदम बंटवारे का जब दौर शुरू होगा, तो असली खेल नायडू और नीतीश करेंगे, और यही दोनों नरेंद्र मोदी को एकदम से परेशान भी कर सकते हैं, देखिएगा। फिलहाल तो यही बड़ी खबर है, स्पीकर पद चाहिए, संयोजक भी बनना है, और इसके अलावा एनडीए को समर्थन देने के लिए उन्होंने एक्सटर्नल सपोर्ट का ऐलान किया है, न कि पार्टी के साथ घुल मिलकर एनडीए के अटूट पार्टनर बनकर, मतलब रास्ते तो इंडिया गठबंधन के भी खुल गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।